हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी टेक। आज का हमारा टॉपिक है कि हम प्ले स्टोर या गूगल का अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। तो दो तरीके हैं प्ले स्टोर या गूगल के अकाउंट बनाने का। अगर आपको गूगल का अकाउंट बनाना है या प्ले स्टोर का अकाउंट बनाना है तो आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लिक करने के बाद देखें इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो ऊपर ये देखें, यहाँ पे हमारे चैनल का लोगो बना हुआ है, गूगल अकाउंट का लोगो बना हुआ है। तो यहाँ से एक देखें, एक आईडी मेरे पास खुली हुई है लेकिन मुझे एक आईडी और बनानी है, मतलब एक गूगल का अकाउंट या प्ले स्टोर का अकाउंट एक और बनाना है। तो सिंपली इसके ऊपर मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास 4 से 5 गूगल अकाउंट खुले हुए हैं लेकिन मुझे एक न्यू अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए ये नीचे देखें बना हुआ है ऐड अकाउंट टू डिवाइस, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना। तो यहाँ से आपसे ये पिन मांगेगा या पैटर्न या फिंगरप्रिंट, तो जो भी आपके पास हो इस टाइम वो आप लगा सकते हैं। ये यहाँ से मैंने पैटर्न लगा दिया। ये लगाने के बाद ये देखें फ्रेंड्स, हमारे पास ये पेज खुल गया है। तो ये नीचे बना हुआ है क्रिएट अकाउंट, ये नीचे बिल्कुल कॉर्नर पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप न्यू अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप ऊपर सिंपली यहाँ पर जहाँ ईमेल एंड फ़ोन लिखा हुआ है यहाँ पर डाल के अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हमें न्यू अकाउंट बनाना है तो इसलिए हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि आपने जो अकाउंट बनाना है वो बिजनेस वाले पे बनाना है या माई सेल्फ पे। तो हम सिंपली यहाँ से माई सेल्फ पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्लिक करने के बाद देखें ये क्रिएट अ गूगल अकाउंट, तो यहाँ से हम सिंपली फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम समीर और लास्ट नेम डाल देंगे खान। आप जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास यहाँ तक आने का एक तरीका है। अगर आप यहाँ तक आने में असफल रह रहे हैं और आपसे ये नहीं हो पा रहा, यहाँ तक नहीं आ पा रहे, तो आपके पास एक दूसरा तरीका भी है जो कि हम प्ले स्टोर से जाके कर सकते हैं। तो वो जाने के लिए आपको डायरेक्ट होम स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। वो तरीका, एक तरीका तो हम यहाँ तक आ गए अपना अकाउंट बना सकते हैं न्यू, लेकिन अगर आपको फिर भी यहाँ तक आने में मसला हो रहा है क्रोम ब्राउज़र से, तो आप प्ले स्टोर से भी आ सकते हैं। तो वो आने के लिए सिंपली आपको बैक करना पड़ेगा, बैक करके होम स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ दोबारा से आ गए होम स्क्रीन पे। तो सिंपली आपने प्ले स्टोर के आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर लोगो आ रहा है हमारे गूगल अकाउंट का, उस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको ये नज़र आ रहा है साइड पे एरो जो हमारी आईडी के सामने बना हुआ है, उसके ऊपर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद देखें वही जिस तरह हमारे मेरे पास आइडिया खुली हुई थी 3 से 4 गूगल अकाउंट्स की। तो मैं मुझे चाहिए न्यू आईडी बनाने के लिए, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा ऐड अनदर अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा तरीका है जो मैं आपको बता रहा था कि एक तरीका है गूगल अकाउंट बनाने का प्ले स्टोर आईडी बनाने के लिए, ये दूसरा तरीका है। तो ये भी तरीकाकार थोड़ा सेम ही है लेकिन ये एक सेकंड स्टेप है कि हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका वो था, एक तरीका ये है। तो यहाँ से हम सिंपली जिस तरह पहले पिन डाला था, तो यहाँ से हम अपना पिन डाल देते हैं। तो जाएंगे हम बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर से होगा जिस तरह पहले कर रहे थे, लेकिन ये है कि ये दो तरीके हैं, एक वहाँ से भी कर सकते हैं क्रोम ब्राउज़र से और हम यहाँ प्ले स्टोर से भी हैं, बिल्कुल सेम है, दोनों से ही आपकी गूगल आईडी बनेगी। तो यहाँ से देखें उसी तरह नीचे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है और ये उसी तरह पूछेगा कि फॉर माई सेल्फ बनाना है टू मैनेज माई बिजनेस, तो हम सिंपली यहाँ पर माई सेल्फ पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ से ही आईडी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम उसी तरह यहाँ पर क्लिक कर देंगे समीर और यहाँ से नीचे खान पे क्लिक, खान लिख देते, टाइप कर देते हैं। ठीक है, देखें ये एक तरीका हो गया प्ले स्टोर से यहाँ तक आने के लिए, और सेम इसी तरीके से हम क्रोम ब्राउज़र से भी आए थे। हम आपको दिखा देते, देखें ये हम आए हुए थे क्रोम ब्राउज़र से डायरेक्ट। तो ये सिंपली देखें हम यहाँ पे समीर खान पे आ चुके हैं। ठीक है, समीर खान हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है, फर्स्ट नेम समीर खान और लास्ट नेम खान लिख दिया। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने मंथ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मंथ हो,
डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है आपकी, तो आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है। कम से कम 18 साल होनी चाहिए ताकि वो आपको आईडी बनाने में आसानी रहती है। मेल पे क्लिक कर देते हैं, जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ से इस पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये बोलेगा कि आपने यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी खुद बना कर डालनी है। तो आपको ये डालने के लिए जिस तरह हमने शुरू में अपना फर्स्ट नेम लिखा था समीर और लास्ट नेम लिखा था खान, ये डाल दिया। ये डालने के बाद हम यहाँ से सिंपली इस पर कोई भी अल्फ़ाबेट जो है हमने डाल दिए। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे नंबर्स, नंबर्स डालना ज़रूरी है। नंबर डालने के बाद हमारा जो ईमेल आईडी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ से हम डाल देते हैं 98765, इतना काफ़ी है। तो यहाँ तक हम डाल के यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये आईडी नेम किसी ने पहले से ले चुके हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने 98765 किया था, तो हम यहाँ से आगे थोड़ा 43 कर लेते हैं, ताकि थोड़ा और आगे ये नंबर डालने के बाद ये हमारी आईडी अगर किसी ने पहले से नहीं बनाई हुई हुई तो हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगी। देखिए ये भी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। हम यहाँ से मज़ीद इसको 2-1 कर देते हैं और मज़ीद कर देते हैं। ये यहाँ से हो ही नहीं पा रही है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर थोड़ा सा और इसको लॉन्ग कर देते हैं। वैसे तो आप अगर कुछ और डालेंगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा, लेकिन यहाँ से हम को वन और डाल देते हैं ताकि हमारी आईडी लॉगिन हो जाइए। तो हो ही नहीं पा रही है, एक मिनट। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद ऐड कर देते हैं। तो सिंपली ये देखें, थोड़ा मुश्किल हुआ है। देखें आपको इस बताने का मकसद यही है कि जो छोटे छोटे मसले आते हैं इन मसलों को किस तरह हल किया जाता है। हमें आपको एजुकेट करने का सारा मसला यही है कि हम आपको किस तरह समझा सकें। तो सिंपली यहाँ से देखें, अभी हमारे पास मसले आ रहे थे कि हम जो नंबर डाल रहे थे वो पहले से किसी के पास पहले से ही आइडिया बनी हुई थी, क्योंकि लाखों आइडिया करोड़ों पहले से बन चुकी हैं। तो हम आईडी न्यू बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें खुद देखनी पड़ती हैं। तो वो हमारा ईमेल एड्रेस हमारे पास बन चुका है। अब हमने यहाँ पर डालना है पासवर्ड। अब पासवर्ड भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पहले से किसी ने पासवर्ड अपना बिल्कुल सेम इसी आईडी पे डाला हुआ होगा तो वो नहीं चल पाएगा, कोई भी आपका पासवर्ड हैक कर सकता है। तो यहाँ से हम आपको सिंपली अपने नाम का पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 कर देंगे, 1 2 4 5 के बाद 6 7, उसके बाद ऐट द रेट डाल देंगे दो दफ़ा। ये डालने के बाद हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो सिंपली हमने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने देने के बाद देखें ये टर्म्स एंड पॉलिसीज़ है गूगल की, कि आप को क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसके गूगल अकाउंट के ऊपर ही अपनी यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, यूट्यूब आईडी भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली यहाँ से यस, फिर ये आपसे पूछेगा अगर हम आपको कोई पासवर्ड भेजें या कोड भेजें तो इसी गूगल आईडी पे आप लॉगिन होंगे, तो यस आई एम कर देते हैं। सही है, तो यहाँ से हम सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर दें। तो फ्रेंड्स देखें ये हमारे पास यहाँ पे गूगल की आईडी ऑन हो चुकी है। तो ये देखें आपका जीमेल सामने शो हो रहा है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली नीचे आके जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं या आप पूरी पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप वो समझ ना आए। तो सिंपली आप यहाँ से पूरा इसको पढ़ सकते हैं। मैं अगर ये पूरा पढ़ूंगा तो लंबी हमारी वीडियो हो जाएगी और भी काफ़ी सारी। तो यहाँ से हम एग्री पे क्लिक कर देते हैं। तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं, आप सिंपली यहाँ से एग्री पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये क्लिक करने के बाद ये देखें ये यहाँ पर सर्च करेगा और ये आपकी आईडी यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आईडी को, ये देखें सबसे नीचे आ रही है समीर खान। देखिए जो आपने अभी अभी आईडी बनाई थी इसको अगर हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद इस तरह इंटरफेस आपके सामने शो होगा, तो नोट ना कर देते हैं। तो ये देखें ये आपकी आईडी बन चुकी है जो कि हमने यहाँ पे अभी पूरी बनाई थी समीर खान के नाम से। तो जीमेल एड्रेस और सब कुछ हर चीज़ देख लें आप। तो यहाँ से आपकी बिल्कुल जीमेल आईडी गूगल आईडी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल तरीका है बनाने का। आपको मैंने दो तरीके बता दिए हैं जीमेल आईडी बनाने के बिल्कुल एक ही पेज पे आने के लिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए खुदा हाफिज़।